हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जूनियर अकाउंटेंट, एचएसएससी जूनियर अकाउंटेंट का ये एग्ज़ाम है जो कि 1 मार्च 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में अभी कंप्लीट हुआ है। उसका ये जो रिव्यू है ये सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपके आने वाले पेपर के लिए आपको इससे बेनिफिट हो सके। एचएसएससी ने एग्ज़ाम लेने शुरू कर दिए हैं, जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हैं। आगे आपके हरको बैंक के भी पेपर होने हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं। अगर आपको किसी भी एचएसएससी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी एचएसएससी एग्जाम की। ठीक है, तो आज का पेपर कैसा आया? जैसे कि पहले जितने भी कॉमर्स बेस्ड, क्योंकि इसमें जितनी भी कैटेगरी थी मोस्टली कॉमर्स बेस्ड थी। कुछ एक कैटेगरी ऐसी थी जिसके अंदर बीटेक मांगी गई थी और कुछ एक कैटेगरी ऐसी थी जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई थी। जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई थी उसके अंदर जो पेपर आया था वो बहुत ईजी आया था। हर सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछे गए थे। लेकिन जिसमें कॉमर्स मांग रखी थी, जिसमें क्वालिफिकेशन कॉमर्स मांगी गई थी, उसमें वही पैटर्न इन्होंने रिपीट किया है। 5 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, उसके बाद 40 क्वेश्चन, लास्ट के जो 40 क्वेश्चन हैं वो अकाउंट और टैक्स से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ किस प्रकार का पेपर पूछा गया है। जैसे पहले 5 क्वेश्चन हिंदी के हैं, इन्होंने पूछा है पुत्तर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो बिल्कुल सूत बिल्कुल ओके है। कटु का विलोम शब्द बताना है तो मधुर हो जाएगा। आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है, ये जो आंसर लगाए गए हैं, जैसा कि आपको पता है ये एग्जाम रिस्पॉन्स है, ये स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए आंसर है, इनको सही नहीं मानना है। आप लोग सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन का आइडिया ले सकते हो कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आ रहे हैं। जिनके आगे हरियाणा पुलिस वगैरह के एग्जाम है या और ग्राम सचिव पटवारी कोई भी एग्जाम है उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि हरियाणा जी के लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश के भी यही पूछे जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चरखे चल रहे हैं, इसका एक वचन, तो चरखा चल रहा है बिल्कुल ठीक है। बालिका लिख रही है, इसका बहुवचन, तो बालिका ही लिख रही है। तो 5 क्वेश्चन हिंदी के बिल्कुल आसान थे, उसके बाद 5 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे। यहाँ पे टिम्ड का एंटोनियो शब्द पूछा गया था, एक ईडियम पूछा गया है, उसके बाद हमें राइट सेंटेंस बताना है जो भी ऑप्शन होंगे, और एक फिल इन द ब्लैंक बताना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जीके, बाकी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जीके से। अंग्रेज ने भारत किस सदी में छोड़ा था, तो 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो वो शताब्दी कौन सी थी, 20वीं शताब्दी थी, तो इसका आंसर 20वीं शताब्दी बिल्कुल ओके हो जाएगा। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पहले किस डिपार्टमेंट से थी, तो रक्षा मंत्री थी, ये बिल्कुल ओके है। ताजा गणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, एक विधायिका जिसमें डैश सदन होते हैं वह द्विसदन विधायिका कहलाती है, तो 2 सदन होते हैं बिल्कुल ओके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट आयु कितनी होती है, 65 साल। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, इंडिया जीके के जितने क्वेश्चन भी अब तक पेपर में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अपनी सीरीज के अंदर कंप्लीट करवाए हुए हैं। आपको जीके की वीडियो डेली मिलती है शाम को 8 बजे, जो स्टूडेंट भी देखना चाहते हैं 8 बजे शाम को चैनल पर आके जीके की वीडियो अटेंड कर सकते हो। आपको किसी भी पेपर में जीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट है पानीपत के कितने युद्ध लड़े गए थे, तो 3 युद्ध लड़े गए थे। हर हरियाणा के जितने भी बच्चे हैं सबको ये चीज पता है। 1556 में पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था, अकबर और किसके बीच हुआ था, भी हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट है हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्या, बिल्कुल ओके है। निम्न में से कौन सा संस्थान हरियाणा में स्थित नहीं है, उसके बाद रबी की फसल कौन से महीने के दौरान उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर बिल्कुल श्योर होगा वो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री किस पार्टी से है, तो बीजेपी से है, ये बिल्कुल ओके है। हरियाणा राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन डैश है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है भी। 14वीं शताब्दी में मिले शिलालेखों के अनुसार संस्कृत में हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है। नेक्स्ट है हरियाणा में लिखे गए प्राचीन महाकाव्य का नाम क्या है, भगवत गीता। निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा में पाया जाता है, तो ये है मेधा नाचा। बाकी ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। महाभारत से सबसे पहले सरस्वती घाटी के डैश प्रांत में 10 राजाओं के बीच एक महान युद्ध लड़ा गया,
तो ये कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी अच्छे लेवल के पूछ रखे हैं। डैश हरियाणा के दक्षिण में स्थित है, तो राजस्थान बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विभिन्न राज्यों में से हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको एरिया के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से, एरिया के हिसाब से 21वां है और जनसंख्या के हिसाब से 18वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र आता है, यानी वन कितने प्रतिशत भूभाग पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित रोजगार कार्यालय निम्नलिखित सेवाएं प्रदान नहीं करता है, तो नौकरी चाहने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है भी ये। नेक्स्ट है, हरियाणा में टोटल मंडल कितने हैं, तो 6 मंडल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कौशल विकास मिशन HSDM की स्थापना मई 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा डैश के रूप में की गई थी। हरियाणा में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित सबसे खराब वायु गुणवत्ता हरियाणा के डैश जिले में है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में प्रदूषण की निगरानी के लिए जिम्मेदार संगठन का नाम क्या है? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा कौन सी संस्था किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण नहीं करती? यानी कि यहाँ पे जो जितने क्वेश्चन 35 तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो लगभग हरियाणा जीके से और इंडिया जीके से पूछे गए थे। उसके बाद हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है, एक पत्र लिखने के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत होती है? तो MS Word की। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, द मेल सर्विस ऑफ जीमेल इज ओन्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी? जीमेल की सेवा का स्वामित्व निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास है? तो ये हमें चेक करना पड़ेगा भी इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रीजनिंग से पूछे गए हैं। 40 क्वेश्चन हो गया, 41 हो गया, ये भी बिल्कुल आसान है, 42, 43, 44, ठीक है, 43 तक ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। उसके बाद जो ये 5 क्वेश्चन है ये मैथ के हैं, ये भी बिल्कुल ईजी है, अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो है ये साइंस से पूछे गए हैं। उसके बाद जो पूछे गए हैं सारे 51 से लेके और 90 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, यानी जो BCom को या फिर +2 को टीच करते हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस पेपर से, क्योंकि उनको लगभग सारी चीज़ें याद होती है। लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिशन में इस टाइम आ चुके हैं वो कॉम्पिटिशन वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कॉमर्स जैसे बच्चे MCom करके पेपर दे रहे हैं, BCom करके पेपर दे रहे हैं, उनको बहुत टाइम हो गया होता है इन सारी चीजों को रिवाइज किए हुए, और बिना रिवाइज किए ये सारी चीजें याद रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और HSSC हमेशा यही करता है कि कोई भी सिलेबस, कोई भी फिक्स पैटर्न इसका नहीं है, कब पेपर होगा ये नहीं पता होता, कभी भी एग्जाम का नोटिस आ जाता है कि इस टाइम पे पेपर होगा, कोई फिक्स डेट नहीं होती रिजल्ट की, कुछ नहीं पता होता। एग्जामिनेशन सेंटर इतनी दूर दूर बनाए जाते हैं जिसमें से लगभग बच्चों ने तो पेपर दिए ही नहीं है, जितने बच्चों ने पेपर भरे हैं उनमें से आधे से ज्यादा बच्चों ने तो पेपर दिए ही नहीं है, क्योंकि एक पेपर सोनीपत है, दूसरा करनाल है, तीसरा कुरुक्षेत्र है, तो चौथा अम्बाला है। 11-11 पेपर थे, कॉमर्स बेस के ऊपर थे, लगभग बच्चों ने किसी ने एक दिए हैं, किसी ने दो दिए हैं, या ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पेपर दिए हैं। तो ये पूरा का पूरा पेपर है, यहाँ से आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, अगर आपको कोई और एग्जाम भी चाहिए तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर आपको शो कर दिया है। टोटल हमारे पास 90 क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन नॉर्मल थे और 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड थे। जिनका कल एग्जाम है, जिनका आज शाम को एग्जाम है, वो ये पैटर्न देखे जा सकते हैं। वैसे आपने पहले एग्जाम दिया होगा, वही सेम पैटर्न इसके अंदर पूछा गया है। जिसको अकाउंट आता है, जिसको कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं, वो ये पेपर आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।